उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारे में बीजेपी और सरकार के बीच उथल पुथल की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के बीच खींचतानी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का जुबानी हमला भी जारी है। सपा मुखिया ने एक बयान में कहा कि केशव प्रसाद मौर्य एक मोहरा है व दिल्ली वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा है दिल्ली के वाईफाई के, वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? वहीं अखिलेश के इस बयान पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने अखिलेश पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जिस तरह समाजवादी पार्टी को मोहरा बनाकर एंट्री की है, ये राजनीति है और इसमें कुछ लोगों को शिकार बनाया जाता है तो कुछ लोगों को हिस्सेदार। उन्होंने आगे कहा कि जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश से खत्म करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने 30 साल संघर्ष किया और जिस नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, उसी नीतियों को लागू कराने के लिए सपा अब लग गई है। ऐसे में सपा को खुद सोचना चाहिए कि कहीं वह कांग्रेस की वाईफाई तो नहीं बन गई। अभी तो ये माना जाए कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एंट्री की है और सपा को मोहरा बनाकर कांग्रेस अपनी एंट्री की है, ये राजनीति है। राजनीति में कुछ लोगों को शिकार बनाया जाता है, कुछ लोगों को हिस्सेदार बनाया जाता है। तो कांग्रेस का हिस्सा उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया था, एकदम जीरो चली गई थी। और देखे होंगे कि निषाद पार्टी 11 सीटें हैं और कांग्रेस की 2 सीटें हो गई थी। तो आज के दिन में कांग्रेस किस तरीके से राजनीति का शिकार बनाने में समाजवादी पार्टी को लगी है, तो समाजवादी पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि हम कितना शिकार हो रहे हैं, अपनी फसल कितना कांग्रेस को कटवा सकते हैं, हमारी खेती पर कांग्रेस कितना राज करती है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले बार 100 सीट दे दिया था 2017 में, तो आप कितनी सफलता 2023 में देख लीजिए, कुछ नहीं था। जिस चीज़ को, जिस पार्टी को ख़त्म करने के लिए माननीय मुलायम सिंह को पूरे लगभग 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया, तब जाके कांग्रेस यहाँ से खत्म, उसमें हम लोगों का भी योगदान रहा। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में जो है ये पिछड़े दल तो शोषितों वंचितों जितने लोग थे, हर जाति हर धर्म के वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया और कांग्रेस की नीतियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का परिणाम रहा कि कांग्रेस यहाँ से हटी और केंद्र से भी हटी, और फिर उस जिस नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ और वही समाजवादी पार्टी उस नीति को फिर से लागू कराने में लगी हो, तो आप खुद कांग्रेस को के सपा को खुद अपने अंदर सोचना चाहिए कि हम कहीं कांग्रेस का वाईफाई न बन जाए और फिर हमारा काम होगा, ये देखना चाहिए हमको। वहीं संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात के सवाल पर कहा कि मिलना जुलना तो पहले से जारी है, विपक्ष सिर्फ इसे मुद्दा बनाकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मिलना जुलना तो मेरा पहले भी था, लेकिन अभी जो विपक्ष है उस मिलने जुलने को अपना वो एक मुद्दा बनाकर लोगों के अंदर जो है इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक भ्रम फैला कर तो अभी आंशिक सफलता विपक्ष ने प्राप्त की कि 43 सीटें जीत लिया, तो उसी तरीके से यह लोगों के जितने भी नेता हैं इन्हें मिलने जुलने और निराधार तमाम पैसे उसको देकर, भाई माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? जैसे गोंडा में बड़ा समस्या था, 15 दिन से लाश पड़ी थी, कोई अधिकारी जा नहीं रहा था, घर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहा था, मिले तो कहे SP से नहीं सुना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे दिया। और मुद्दे हैं जिस तरीके से, और केशव जी हैं पिछड़ों में नेता हैं और 2017 के पहले से कितनी स्पीड से उन्होंने काम किया। माने हमारे पाठक जी हैं वो भी भाई उप मुख्यमंत्री बनाए हैं तो क्षमता है, तभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ काम मुख्यमंत्री से हो जाते हैं, कुछ मुख्यमंत्री से आते हैं, और ये लोग मार्गदर्शक हैं। अगर इन्होंने सफलता प्राप्त की है ऊंचाई तक जाने की, तो इनसे तो जीत के मंत्र लेने ही पड़ेंगे, कैसे होता है।